अहमद की हत्या के बाद यूं तो तमाम कयासबाजी चल रही है, लेकिन अब अतीक की हत्या और उसके लिए मौत का श्राप और हत्यारे के बीच अजब कनेक्शन सामने आया है। इस कनेक्शन की तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अतीक की दहशत 80 के दशक से शुरू हो गई थी, लेकिन अतीक के आतंक का बड़ा चैप्टर शुरू होता है साल 2004 से। माफिया डॉन अतीक अहमद ने साल 2004 में प्रयागराज से लोकसभा चुनाव जीत लिया था। वही इससे पहले प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक था। जब वह सांसद बन गया तो विधानसभा की सीट खाली हो गई। अतीक के सांसद चुने जाने से खाली हुई सीट पर 2005 में उपचुनाव हुआ था। अतीक ने अपने भाई अशरफ को इस सीट से मैदान में उतारा। दूसरी तरफ बसपा की टिकट से युवा नेता राजू पाल ने चुनाव लड़ा। राजू पाल के सामने अतीक के कुनबे ने हार का स्वाद चखा। राजू पाल विधानसभा उपचुनाव में जीतकर विधायक बन गए। 2005 के जनवरी में विधायक बनने के कुछ दिन बाद ही राजू पाल की शादी भी हो गई। राजू पाल ने पूजा पाल से शादी की थी। उधर अतीक और उनका कुनबा अपनी हार की बदला गोली से लेने के लिए प्लानिंग कर रहा था। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज में विधायक राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अतीक के भाई अशरफ और उसके गुर्गों ने राजू पाल को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी थी। प्रयागराज में दिन दहाड़े विधायक की इस बेरहमी से हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया था। सबसे बड़ा सदमा तो पूजा पाल को लगा था। उनके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी थी कि पति को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद पूजा पाल को विधवा बना दिया गया। अपने पति की हत्या के बाद पूजा पाल ने रोते हुए कहा था, अतीक और उसके गुर्गों ने जो मेरे पति का हाल किया है वैसा ही उनका हाल होगा, उनका न्याय भगवान करेगा। एक दिन भगवान उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा और अतीक का अंत ऐसे ही होगा। लगभग 18 साल बाद अतीक को भी सरेआम गोलियों से भून दिया गया। उसके भाई अशरफ को भी साथ ही मार दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि जिन शूटरों ने अतीक और अशरफ को गोली मारी उन 3 शूटरों में से एक अरुण मौर्य का जन्म साल 2005 में ही हुआ था। इस अजब संयोग को देख तमाम लोग हैरान हैं। एक बात और गौर करने वाली है, जिस राजू पाल को गोली मारी गई थी उसी की हत्या के गवाह उमेश पाल को मारने के बाद अतीक के अंत की शुरुआत हुई। यानी अतीक के आतंक के खात्मे का अजब संयोग राजू पाल की हत्या से जुड़ता दिखता है। फिलहाल अतीक अहमद, अशरफ और अतीक का बेटा असद मारे जा चुके हैं। वहीं उसके तमाम परिजन व गैंग के सदस्य या तो जेल में हैं या फरार हैं। इस तरह अतीक का एक दहशत का साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स